हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आय चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज इजी शवस्थी आपको पता होगा वी आर डीलिंग विथ टेन एम टेन क्वेश्चन सीरीज सो उसका लेक्चर नंबर फोर है आज आपके सामने तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर सीरीज का आई होप इस बार का कट ऑफ मैं आपको एंड में बताऊंगा और आप उस कट ऑफ को क्लियर कर सके सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है बहुत से एग्जाम विच वॉल के इज कॉल्ड द लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन सी सी या लाइट हाउस ऑफ़ तो ये सामने दिन क्यों लाइट हाउस कहते हैं इसलिए कहते हैं लाइट पिलर कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव वॉल्के हैं बहुत ब्रस्ट होता रहता है जिसकी वजह से उसको अपन लाइट हाउस या लाइट पिलर ऑफ मेडिटरेनियन सी कहते हैं ऑप्शन आपके सामने इसका आंसर है स्टॉम जिसको बन गया होगा माउंट स्टॉम्बोली तो मैं आपको और डिटेल बता देता हूं इसमें आग, अगली बार आपको और इंपॉर्टेंट चीज बन जाए देखिए माउंट इसका आंसर है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव स्ट्रॉबोलीस है तो आप इसकी अगर लोकेशन देखें तो दिस इज इटली ओके दिसलीर्स ये मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है आप देख सकते हैं यहाँ माउंट स्ट्राम्बोली ये लोकेटेड है ओके okay, तो यस माउंट इज लोकेटेड स्टॉम्बली मेडिटेरेनियन सी बट मेडिटेरेनियन सी में भी अगर मैं डिटेल में पूछूं किस सी में लोकेटेड है तो आप देख सकते हैं यहां पे दैट इज चाहनियन सी आपको यहां पे दिख रही होगी दैट इज टी वाई डबल आर एच ई एन आई एन तो ट्राइनियन सी जो है वो मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है

पता चल गया होगा, ठीक है? है, है, चलिए, आते हैं, uh, next question जो है, uh, ये छोटा नागपुर पेट्यू कभी भी बात हो, तो जनरली फोकस ऑन झारखंड ओके क्वेश्चन ने भी यही बोला झारखंड, ये कि अदर कौन से हैं, जहां पर छोटा नागपुर पेट्यू की बाउंड्रीज जाती हैं? ऑप्शन आपके सामने है आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या आंसर 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 हो सकता है 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 बट इसका जो दैट इज सी याद रखिएगा टिपिकल उड़ीसा वेस्ट बंगाल बिहार एंड छत्तीसगढ़ ये सारे स्टेट्स को छोटा नागपुर प्लेट्यू टच करता है सो रिमेंबर झारखंड सिर्फ आंसर नहीं है ये स्कोर पार्ट जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का झारखंड में है हम छोटा नागपुर प्लेट्यू को पैटलैंड भी कहते हैं रिमेंबर पैट लैंड ये पैट यहां पे लिखा हुआ लैंड तो पैट लैंड भी कहते हैं छोटा नागपुर पेटी को क्यों इसका रीजन क्या है जो पैट है एक्चुअली इट्स अ लोकल वर्ड ऑफ लावा टॉप्ड प्लेट्यू जो लावा टॉप्ड प्लेट्यू होते हैं जिनका टॉप में लावा का डिपॉजिट रहते हैं रिमेंबर दैट इज नोन एज और ये छोटा नागपुर पेट्यू में देखा जा सकता है दैट इज वाई छोटा नागपुर पेट्यू ऑल्सो नोन एज ओके, छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफकोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है जब हम पढ़ते हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया तो जो पेनिनसुलर पार्ट है उसी का पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू और डिटेल में मैं आपको बताऊं तो को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ठीक है जिसमें हम हमटू अलग कर देते हैं और सेंट्रल हाईलैंड अलग कर देते हैं तो एक्चुअली डिटेल में देखा जाए तो सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू तो रिमेंबर छोटा नागपुर प्लेट्यू पेट्यू लोकेशन ओवरऑल इट्स अ पार्ट ऑफ वट दैट इज पेनिस्लर प्लेट्यू ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ओके इसमें आई थिंक बहुत लोग फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में इट्स रिलेटेड टू पॉलिटी रिलेटेड टू फिनेंस कमीशन ओके जब फाइनेंस कमीशन की हम बात करते हैं पहला स्टेटमेंट है एस पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट फाइनेंस कमीशन टू बी क्रिएटेड बिफोर द एंड ऑफ टू ईयर्स

हो जाना था बट वो 1951 में ही हो गई फाइनेंस याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए जो First Finance Commission थी, उसके चेयरमैन कौन थे ठीक है, आप मुझे उस First Finance Commission के बताइए और अभी जो फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन आई है एक्चुअली इसका एक ट्रिकी पॉइंट है इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन है इसका टाइम पीरियड होने वाला था 2020 से लेके 2015 और इसके चेयरमैन है एन के सिंह ओके सो so, 2020 से 2015 इसका टाइम पीरियड था बट हुआ क्या प्रेसिडेंट ने इनको बोला कि आप ऐसा करो कि पहले आप सिर्फ एक साल की रिपोर्ट दो ठीक है एक साल की रिपोर्ट दैट इज 2020 से 2021 उसके बाद अब फाइव इयर्स की अगली रिपोर्ट देना मतलब इनको दो रिपोर्ट सबमिट करनी है पहली बार ऐसा हो रहा है नेक्स्ट रिपोर्ट होगी 21 से 26 तो अभी जो इन्होंने रिपोर्ट न्यूज में सबमिट की है वो है 2020 और 2021 की तो एक साल की इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है फाइनेंस कमीशन आपको पता होगा फाइनेंस कमीशन कभी भी बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस अगर पॉलिटिकली टर्म्स में जाऊं तो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस अगर डिटेल आपका समझना है फॉर एग्जांपल जितना पैसा आया उसका डिवीजन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अगर मैं कर रहा हूं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये फाइनेंस कमीशन बताती है तो फाइनेंस कमीशन ने लास्ट ईयर जो लास्ट फाइनेंस कमीशन थी दैट इज वॉट दैट वॉज फोर्टीन फाइनेंस कमीशन उसके अकॉर्डिंग बोला गया था कि 42% को एंड जाए एंड परसेंट टू सेंटर बट टाइम जो फाइनेंस कमीशन आई है उसने अभी जो रिपोर्ट एक परसेंट का रिडक्शन हुआ है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में. Okay? तो में बताया है बट स्टिल आपको बेसिक ये बात भी पता होना चाहिए ओके चलिए नेक्स्ट में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फॉलोइंग रिपील्ड क्वेश्चन रिपील किसने किया प्रेस एक्ट उस गवर्नर जनरल का मैंने यहाँ पर फोटो भी बना रखा इमेज भी है ऑप्शन आपके पास जैसे लॉर्ड लिट्टन लगाए हैं आंसर इज रॉन्ग लिट्टन ने इंपोज किया था मैं आपको बताऊं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसको रिपील करने वाले थे दैट इज लॉर्ड रिपन वट इज दिस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मैं बताऊं वनाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने इंपोज करवाया था व्हाट इज दिस एक्ट मैं आपको बताऊं इसमें एक्चुअली होता क्या था कि जो भी आ, लोकल न्यूज़पेपर है वनाकुलर मतलब लोकल लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर है उनकी लिबर्टीज उनकी फ्रीडम को रोका गया था मतलब जो उनकी फ्रीडम थी उसको एबॉलिश करने की कोशिश की गई थी ऐसे किया गया था कि जो भी आ, लोकल न्यूज पेपर हैं उनको यह बोला गया था दे कैन नॉट पब्लिश एनी थिंग इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो जो कोई भी चीज है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगी वो उसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं ऐसे करके उनकी फ्रीडम को रोका गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू तो ये बहुत गलत है आप देख रहे होंगे बट इस एक्ट को रिपील किया किसने लॉर्ड लिट्टन ने 1881 में तो मैं आपको बताऊं सॉरी एस... लॉर्ड रिपन ने 1881 में लिट्टन ने तो इंपोज किया था लॉर्ड रिट्टन ने लॉर्ड रिपन ने इसको रिमूव किया था रिपील किया था लिट्टन जो था वो 1876 से 1880 तक 1880 तक था तो 1878 में उसने वनाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया इसको रिपील करने वाले थे लॉर्ड रिपन जो एटीन से एटीन तक रहे ठीक है तो आपका एक होमवर्क है एक मैं इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रोवर्सी बता रहा हूं आपको मुझे बताना है ये कॉन्ट्रोवर्सी किस गवर्नर जनरल के साथ हुई थी क्वेश्चन इज दैट इज एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी रिमेंबर एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी जो है किस गवर्नर जनरल के साथ हुई है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स okay? में बताइए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानते फाइव इसमें क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड है कि जॉइंट सिटिंग जो होती है जॉइंट सेशन जिसको आप कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा का ऑफ उसको प्रेसिडेंट बुलाता है जॉइंट सिटिंग को ओके okay, बट उसको प्रेसाइड स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है रिमेंबर तो पूछा गया किस केसेस में बुलाई जा सकती है ऑप्शंस आपके सामने आप रीड करिए ऑप्शन और आंसर बताइए इसका आंसर जो है दैट इज द सी रिमेंबर दैट इफ अ बिल हैज बीन पास बाय वन हाउस

आज तक ज्वाइंट सीटिंग तीन बार बुलाई गई है तो कमेंट बॉक्स से मुझे बताइए वो तीन बार किस रीजन की वजह से ज्वाइंट सीटिंग बीन कॉल्ड सो कमेंट बॉक्स में उनका ईयर

है ना और इसी के साथ मुझे आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देना है क्या सिटिंग स्टेट गवर्नमेंट में बुलाई जा सकती है कि नहीं यस और नो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या सिटिंग स्टेट गवर्नमेंट में बुलाई जा सकती है मतलब स्टेट जा सकती है नो प्लीज कमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की गई है ओके सो पूछा गया इस टाइम पर इंडिया में वॉइस रॉय कौन थे ऑप्शंस आपके सामने हैं दैट दैट इज इज वेरी फेमस वॉइस रॉय लॉर्ड लॉर्ड इरविन इरविन रिमेंबर इंडिया में 1926 से लेके 1931 तक इंडिया के वॉइस रॉय रहते हैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इनके टाइम पर मैं बताऊं आपको दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो इन्हीं के टाइम पर स्टार्ट हुई थी थर्टी आपने शायद सोल्ट सत्याग्रह के बारे में सुना होगा तो आंसर इज लॉर्ड एरविन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंट इसको अरेंज करना है एक्चुअली मैंने क्यों पूछा ये क्वेश्चन कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे सेट करना है ये तीनों ही इवेंट रॉबल एक्ट

जलियावाला बाग हुआ था अप्रैल नाइनटीन में एंड हंटर रिपोर्ट जो थी वो आती है अक्टूबर में अराउंड आई थिंक अक्टूबर 1919 में ओके okay, इंसिडेंट ऐसे भी याद कर सकते हैं रोबल्ट एक्ट की मैं बात करूं सो so रिमेंबर इसको हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं ब्लैक एक्ट क्योंकि इसमें आपको सिर्फ शक के तौर पे यू कैन बी अरेस्टेड यू कैन बी टेकन अवे ठीक है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता था आपकी सुनवाई नहीं होगी सो इसको हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं एक्ट ओके इंपॉर्टेंट तो अराउंड ये टेंथ मार्च 1919 में आया था ओके okay, इस पर भी बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था उसी की वजह से एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो जाता था जलियावाला बाग इंसिडेंट थर्टीन अप्रैल नाइनटीन अभी न्यूज में भी था और फिर इसी में क्या जलियावाला बाग जो इंसिडेंट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचती क्या ये सही था कि गलत था उसके उन्होंने कमीशन स्टेब्लिस की थी जिसको आप हंटर कमीशन कहते हो ओके सो हंटर इन्वेस्टिगेट होम दैट इज जलिया वाला बाग इंसिडेंट एक्चुअली इस कमीशन ने तो उल्टा बोल दिया था कि ये जो जली वाला बाग इंसिडेंट हुआ दैट वाज गुड और उन्होंने डायर की जिन्होंने जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जली वाला बाग इंसिडेंट में उनकी तारीफ कर दी थी ओके द एक्चुअली प्रेज लॉर्ड डायर ओके सो रिमेंबर ठीक है जनरल डायर की उन्होंने प्रेज किया बट रिमेंबर हांटा कमीशन वो स्टैब्लिश फॉर जली बाग इंसिडेंट तो आंसर वुड बी दैट इज ए वन थ्री एंड टू ओके चलिए हम डिटेल मैंने अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में कवर कवर कराई हुई है ठीक है नेक्स्ट एक नेशनल पार्क हर बार की तरह मैं जो पूछता हूं इस बार मेरा नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है आंसर इज ए छत्तीसगढ़ इंद्रावती रिवर भी आपने सुनी होगी दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ सो आंसर इज वॉट दैट इज ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ पॉलिटी का क्वेश्चन है uh, यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेट आपसे पूछी गई है रेट है कॉर्पस ओके तो मैं आपको बता दूं आर फाइव टाइप्स ऑफ रेट एक रिट तो मैंने पूछ हैबियस हैवीएस कमेंट बॉक्स में आप मुझे चार और जो रिट्स हैं उनके नाम लिख के मेंशन करिए ओके दे आर फाइव टाइप्स ऑफ रिट वन रिट आई हैव ऑलरेडी मेंशन ओके और ये रेट्स इशू कर सकती सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर रेट से कर सकती है एंड हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर रेट को इश्यू कर सकती है ओके हैबियस कॉर्पस आई थिंक आप अभी तक आपने आंसर निकाल लिया होगा इसका आंसर ए है टू सीक रिलीफ फॉर अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ हिम अगर आप किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर लेते हैं ठीक है इन तरीके से कोई रीजन नहीं है ठीक है अनलॉफुल तरीके से आप किसी को डिटेन करते हैं इवन ऐसा नहीं कि डिटेन कोई पब्लिक अथॉरिटी करे इवन अगर कोई प्राइवेट अथॉरिटी भी डिटेन करती है इवन आपके पेरेंट्स भी अगर आपको डिटेन कर लें ओके okay, किसी कमरे में बंद कर दें रिटेन कर दें तो यू कैन फाइल हैबियस कॉर्पस अगेंस्ट देम रिमेंबर सो इट कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी ऑलवेज रिमेंबर और अगर अनलॉफुल डिटेंशन होगा तो आपको रिलीज किया जाएगा तो याद रखिए एक तरीके से पर्सनल लिबर्टी दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली इट इज अ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्सनल लिबर्टी आपकी जो लिबर्टी है उसका एक तरीके से गार्जियन है ये रेट सो दिस रेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आई होप आप ये सिंपल क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकें द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन ओके बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ओके ये आपको आई थिंक बैटल आपने सुना होगा वन वन नाइन टू ए में हुआ था इसका आंसर ए है दैट इज मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान जो है इस वॉर में डिफीट हो गए थे एक तरीके से इट रिलेट टू द राइज ऑफ मुस्लिम रूल इन इन इंडिया ओके तो इसकी वजह से मुस्लिम रूल भी स्टार्ट होता है और याद रखिएगा इस मोहम्मद गौरी जो था उसने इस बैटल को जीत लिया था ओके सो वी हैव डन विद द टेन क्वेश्चंस, आई थिंक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं इस पेपर का जो कट ऑफ है ठीक okay. है दैट इज एट मार्क्स ओके जिसके एट मार्क्स या एट मार्क्स से ज्यादा हैं तो यू हैव क्वालिफाइड दिस टेस्ट आल्सो, जिसके एट से कम है तो आपने क्वालिफाई नहीं किया है क्योंकि देखिए पेपर में एक्चुअली क्वालिटी और ईजीनेस uh, के हिसाब से मैं कट ऑफ डिसाइड करता हूँ तो एट मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं अगर क्वालिफाई नहीं भी किया है कोई बात नहीं आप नेक्स्ट स्टेप में कोशिश करिए कि जो भी कट ऑफ हो उसका उसको आप क्वालिफाई करें अगर आप डेली ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल कोई भी क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करेंगे अपने किसी भी डेली uh, सीरीज़ में तो आपको डेली एटलीस्ट टेन फिफ्टीन क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना चाहिए हाँ कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर हम क्वेश्चन की नंबर बढ़ा दें तो ऑफकोर्स इन फ्यूचर हम इसके नंबर्स भी बढ़ाएंगे तो आप कमेंट करते रहें अगर हमको लगता है कि लॉट्स ऑफ पीपल आर इंगेजिंग इन दिस सीरीज ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अगर आपको सीरीज पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें एटलीस्ट लाइक like तो कर ही सकते हैं आप इस लेक्चर को थैंक यू